तो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वाद संपन्न में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक 1 kg का चॉकलेट केक, जो आप देखकर बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने जिनके लिए बनाया था ना ये केक, उनको इतना पसंद आया और उन्होंने मेरी भर भर के तारीफें करी है। और आप बताना कि उन्होंने मेरी जो तारीफें करी हैं वो सही करी हैं, और ये केक टेस्टी भी बहुत बनाता, इसलिए आप भी इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं एक चॉकलेट डे स्पेशल केक। केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टेप है वो आप सबको पता है, लेयरिंग का है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा केक आज टूटा हुआ है, लेकिन इससे हमारी केक फिनिशिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप इसको इग्नोर करके केक डिज़ाइन कीजिए। केक को जब मैं डीमोल्ड कर रही थी तो ये टूट गया था, क्योंकि मैंने इसको गर्म ही डीमोल्ड कर दिया था। इसलिए ही मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि केक जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ही उसे डीमोल्ड कीजिए। आप देख रहे होंगे आज हमारे केक में से क्रम्स भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इसलिए हमें आज अच्छे से सोक करना पड़ेगा, क्योंकि केक में थोड़ा सा मॉइस्चर कम है। इसलिए आप भरकर अच्छे से पानी लगाइए, शुगर सिरप लगाइए, और फिर उसके बाद क्रीम लगाइए। हर लेयर पे आपको भर के अच्छे से पानी लगाना है, जिससे कि हमारा केक एकदम मॉइस्ट हो जाए और खाने में बिल्कुल भी सूखा सूखा ना लगे। और अच्छा टेस्ट लाने के लिए आज मैंने इसमें डार्क चॉकलेट क्रम्स का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे केक का जो टेस्ट है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। और मैंने जब इसका स्पॉन्ज बनाया था, जब भी मैंने इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाला था, तो कॉफ़ी पाउडर डालने से जो चॉकलेट का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हमारी क्रम कोटिंग हो गई है, इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर से रखिए, क्योंकि इसमें क्रम्स वैसे ही बहुत निकल रहे हैं, तो इसलिए इसका क्रम्स को बिल्कुल सेट करने के लिए हमें आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में ज़रूर से ज़रूर रखना है। अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट गनाश मिलाया है, बिल्कुल 2-3 चम्मच के करीब। अब इसे हम अच्छे से फाइनल कोटिंग कर देंगे, और ये देखिए फाइनल कोटिंग होने के बाद हमारा केक में बिल्कुल भी, आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारा केक पहले थोड़ा सा टूटा हुआ था। देखिए बिल्कुल शेप भी बिल्कुल सही हो गई है, और जो फिनिशिंग है वो भी इतनी बढ़िया आएगी कि आप बता ही नहीं सकते कि हमारा केक पहले टूटा हुआ था। अब कर लेते हैं हम थोड़ा इस केक की प्राइसिंग की बात। तो आप इस केक को बनाने में हमें जो ट्रफल केक होता है चॉकलेट का, उसमें हमें थोड़ा हमारा सामान भी ज़्यादा लगता है, वो हमें महंगा पड़ता है, इसलिए ये वाला सेज जो क्रीम वाला केक होता है ना वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए आप उसको थोड़ा कम रेट में सेल कर सकते हैं। 550-600 तक आप इसका प्राइस ले सकते हैं। ट्रफल का प्राइस इतने बड़े केक का कम से कम 1000-1200 के करीब लेना चाहिए। देखिए अब बताइए इस पे आपको कहाँ से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से कि बिल्कुल फिनिशिंग में क्या कुछ कमी आई है। अब वही हम इसको सिलिकॉन के ब्रश लेंगे और इसके चारों तरफ एक पैटर्न बना देंगे। ये पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इसलिए इसको लोग बार बार बोलते हैं कि यही पैटर्न का केक हमें चाहिए। और अब स्टार नोजल लगाकर मैंने इस पर थोड़े लॉन्ग फ्लावर बना दिए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। और गाइज, आज के बाद मैं आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप जितना सपोर्ट मुझे कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये मेरी बिल्कुल आखिरी वीडियो है, सॉरी। अब अगर ये चॉकलेट केक बनाया है हमने, तो इसमें तो चॉकलेट तो भर भर के लगानी ही है, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी चॉकलेट लगाई, और केक के साइड में भी मैंने छोटी छोटी चॉकलेट बार बनाकर चारों तरफ इस तरीके से लगा दी। ये केक मैंने 650 में सेल किया, और जो लेने आए थे केक, उन्हें ये केक बहुत ही सस्ता और अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइप का केक बेकरी से बहुत महंगा आएगा। बस अब केक टॉपर लगाएंगे और हमारा केक हो गया कंप्लीट। बाय बाय।